लेकिन किसी रीजन की वजह से वो जॉब मैंने 2 दिन करके ही छोड़ दी थी। अरे भाई कौन सी जॉब? अरे रुको भाई, सब बताता हूँ। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज गोमसी, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग नाउ गोमसी टीवी। तो मैंने पहले भी एक जॉब करी है और वो एक कॉलिंग की जॉब थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो जॉब मैंने 2 दिन करके ही छोड़ दी थी। फिर मैं 2-3 जगह अपने रिलेटिव्स के साथ एसी की सर्विस भी करवाने गया था, जिसमें मैं उनकी हेल्प करवाता था, और वो काम करते करते मैं आधा काम सीख भी चुका था। उसके बाद मैंने कुछ इवेंट्स किए, सोशल मीडिया पे वर्क किया एंड सोशल मीडिया पे कुछ प्रमोशन किए, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। तो ऑल ओवर मैंने कहीं पे भी टिक के एक जगह सही से जॉब नहीं की। तो अब मैं टाको बेल कंपनी में एक कैशियर की जॉब कर रहा हूँ, और वो जॉब करते करते मुझे 1 मंथ हो चुका है, और देखा जाए तो ये मेरी फर्स्ट जॉब हुई, और अब मेरी सैलरी भी आ चुकी है। और ये सैलरी नहीं है भाई, ये मेरी फर्स्ट सैलरी है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए उन सबकी सैलरी से मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई जितनी ज्यादा खुशी मुझे इस सैलरी से है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फर्स्ट सैलरी से कुछ स्पेशल किया जाए अपनी मम्मी के लिए। स्पेशल मतलब एक गिफ्ट देता हूँ अच्छा सा, और वो गिफ्ट होगा एक स्मार्टफोन। और मैं आपको बता दूं, मैंने आज से पहले अपनी मम्मी को इतना महंगा गिफ्ट कभी नहीं दिया है। अब आप सोचोगे कि एक फ़ोन ही तो है, ये तो कोई भी दे देगा। हाँ यार, एक फ़ोन ही तो है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर मेरी फीलिंग्स है और मेरी मेहनत है, और सबसे बड़ी बात ये मेरी फ़र्स्ट सैलरी से लिया हुआ गिफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़ोन ही क्यों गिफ्ट कर रहा हूँ, सब लोग अपने पेरेंट्स को फ़ोन ही गिफ्ट करते हैं इसलिए, या फिर फ़ोन एक अच्छा गिफ्ट है देने के लिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अपनी मम्मी का फ़ोन दिखा देता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये है मेरी मम्मी का फ़ोन, और ये आगे से क्रैक हो रखा है, और इसके ऊपर टेम्पर चढ़ा रखा है, और इसका पावर बटन भी काम नहीं करता। देखो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं। देखो ऑन हो गया, और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है ताकि आप सबको बिलीव हो जाए कि हाँ ये मेरी मम्मी का ही फ़ोन है। और मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, इसका बैक ग्लास भी टूटा हुआ है, और ऐसा टूटा हुआ है कि इसके टुकड़े निकल रहे थे, इसलिए इस पर लैमिनेशन करवा ली। तो ये हालत है फ़ोन की, देखो। तो ना तो मम्मी न्यू फ़ोन लेती और ना ही उसे ठीक करवाती, और मम्मी को फ़ोन की सबसे ज़्यादा नीड है, और फ़ोन से अच्छा कुछ गिफ्ट हो ही नहीं सकता देने के लिए। तो चलो अब चलते हैं एक अच्छा सा फ़ोन लेने। वो फोन, और इसको हमने पैक करवा लिया है, और मैंने सोचा है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट दूंगा तो इसको देख के कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ इसमें एक फोन है। और तो मैंने सोचा इसको कवर करते हैं कागज से, और इसके ऊपर टेप मारते हैं, फिर देते हैं, और बोलेंगे कि मम्मी को कि इसके अंदर जो भी है वो आपका है, लेकिन आपको उसको 1 मिनट के अंदर ओपन करना पड़ेगा। और मम्मी ने कर दिया तो दे देंगे, और नहीं करा तो तब भी दे देंगे। तो चलो इसको फिर कवर करते हैं। आपका फोन हो गया। चलो अब बाबा का देखते क्या है, बाबा गैस करो क्या हो सकता है इसमें। आपका भी खाने का है, तो अब इसको ओपन करवाते हैं। लो अब इसको ओपन करना है आपको 1 मिनट के अंदर। चलो स्टार्ट कर लो, काटो। रसोई में अनबॉक्सिंग हो रही है। हाँ गिफ्ट है, पैक करवा रखा है। ये फोन सही लग रहा है मुझे तो। क्या करूँ, दूँ या नहीं दूँ, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। फोन ये तो है ना। आपका ये पागल है क्या? हाँ, तो आपके लिए तो लाया हूँ मैं।
डब्बा के बाहर हो आपके लिए लाया हूँ मैं फोन। ये इतना महंगा फोन लग रहा है तो लाइक कौन सा है? ये पागल है इंडियन मैन। तो भाई इंडियन मैन में कुछ भी ला दो बोलेंगे पागल है ये लिया है। किसका है ये? आपका है? हाँ। कौन सी कंपनी है? रियलमी। चालू करो इसको। हाँ आपके लिए लाया हूँ मैं। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तेरे को सैलरी मिल गई? हाँ। अरे मैं खोल देती बड़ी हो जाती तो ये फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट गिफ्ट वाली कहानी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।